I'm Firoz. Surya. Very stylish. मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शोले के गब्बर सिंह की तरह गुर्राते हुए आएगा, पर तू तो खरगोश की तरह मासूम है। मगर मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता, क्योंकि कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना? ये मेरा स्टाइल है। चला बैठ के बात करते हैं। सूर्या, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ, अंदर बाहर एक जैसा। तू मेरे बुलाने पर नहीं आया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। देखो, मैं खुद चला आया। मुझे तुझसे मिलना जो था। बोलता जा। तू मुझे टक्कर का आदमी लगा। मैं चाहता तो तुझे चुटकी में खत्म कर देता, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या, तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलूं क्या? तेरा बाप एक पुलिस वाला था, बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान, अपने फर्ज की ओर जिम्मेदार। मेरे जैसे एक को उसने अरेस्ट किया, पर वो बेटे पर छूट गया। उसने तेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और तुझे अनाथ बना दिया। अनाथ बन के तू सड़कों पर घूम रहा था, तब एक और अनाथ ने तुझे भाई कहकर बुलाया, और तब से आज तक वो तेरे हर काम में तेरे साथ है। तेरा मुंह बोला भाई जाधव, वो तुझे जान से भी प्यारा है। समाज में हर वक्त हर दिन तेरे साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, पर तू टिका रहा, हिम्मत नहीं हारी। तूने ग्रुप बनाया कमजोरों को लेकर। फाइनली तूने अपने माँ बाप के कातिल यादव को ढूंढ निकाला और पब्लिक के सामने उसे मार डाला। उस वक्त लोग यादव के नाम से डरते थे, लोगों ने तुझे मसीहा मान लिया। जनता का पावर तेरे साथ होने से पुलिस भी तुझसे डरने लग गई और तू यहाँ का डॉन बन गया। और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत करने लगा। गुड गुड, आई लाइक इट। ये है तेरा बाई डाटा। फिरोज, तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई खोज खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था, रुपए के लालच में अपनी बहन को धंधे पे उतार दिया, और जब वो आपे से बाहर हो गई तो उसका खून करके जेल चला गया। बाहर आने के बाद नाम बदलकर फिरोज बन जुनैद गैंग को ज्वाइन किया, लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। तुझे ताकत हासिल करने की इतनी लालच हो गई कि एक दिन जुनैद को मारकर तू डॉन बन गया। आज तक जिस किसी ने भी तेरा साथ दिया है, तूने उसी के साथ गद्दारी की। लेकिन तू मरने से बहुत डरता है, इसलिए तूने 100 लोग और 40 बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। अभी जो तेरा खास आदमी है, उसका नाम है दुर्रानी। इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था सिराज। फिरोज, तू अपने फोन नंबर्स बहुत बदलता रहता है। तेरा रिसेंट एयरटेल नंबर 9890211111 है। फिरोज, कराची से तू गल्फ गया, इंग्लैंड गया, न्यूयॉर्क गया, बैंकॉक टोक्यो गया। रिसेंटली तूने कनाडा में अपनी धाक जमा ली, वहाँ के डॉन को खत्म करके अब तेरी नजर मेरे भारत देश पर है। फिरोज, तेरी दो गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद भी तूने और तीन को मेंटेन कर रखा है। उनके नाम सोनिया, रीना, प्रीति। इतना ही नहीं, कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी को भी अपनी रखेल बना लिया। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तूने मेरा ढोल बजा दिया। किसी भी मुल्क की पुलिस के पास मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ए, दुर्रानी, मैं तो इसकी पोल खोल रहा था, इसने मेरी किताब खोल दी, मेरी चिंदी चोरी से लेकर मेरी गर्लफ्रेंड्स तक। आई लाइक इट। गुड गुड। शॉक्ड हो गया क्या? हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल गया है। करेक्ट सूर्या, यू आर राइट, ट्रेंड बदल गया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि सूर्या बात नहीं करता, आग उगलता है। दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने पावर से मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। उसके लिए तुम करेक्ट हो। संभाल ले मेरे फेंके हुए निवालों को। या ये सोने के टुकड़ों से कम नहीं है सूर्या। तू मेरा गुलाम बन जा, ऐश भी करेगा, कैश भी कमाएगा। इस देश के लोग तुझसे और भी डरेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे। दोनों मिलके इंडिया को पेच डालते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कुछ बोल। पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता।
चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता। मारा जाएगा अपनी सो। इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके कूल बॉयज मूव। चलता हूँ सूर्या। गेट लॉस्ट। যদি আমার ভিডিওখন ভাল লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করিবার লগতে লাইক মারিব।